हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं सर्दी का एक ऐसा जुगाड़ जो कि ऑल इन वन है, क्योंकि यार ये एक चोला भी है, अंगीठी भी है, हीटर भी है, रूम हीटर भी है, पानी गर्म करने का भी है, यहां तक कि फ्रेंड्स आप इससे खाना भी बना सकते हैं। तो यार ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि ये जो चूल्हा हीटर है ये बिल्कुल लो कॉस्ट में पड़ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक टिन का डिब्बा जो कि बिल्कुल आसानी से मिल जाता है परचून शॉप पे, और ये आपको छोटा वाला परचेज करना है जो कि बिल्कुल आसानी से 10-15 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको इतना कट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 16 सेंटीमीटर इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको नाप के भी बता देता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 16 सेंटीमीटर इसको हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पर इसके एक तरफ किनारे मुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हमने कट कर लिया है, इसलिए यहाँ पर हमें इसके किनारे बांधने हैं, मोड़ने हैं, ताकि यहाँ पर जो धार है वो ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स इस सिगड़ी के अंदर हमें यूज में लेनी है इस तरह की ये रोड जो कि 400 वाट की बिल्कुल आसानी से मिल जाती है इलेक्ट्रिक की शॉप पे 30 रुपए के अंदर, ओनली 30 रुपए के अंदर। तो ये हीटर सिर्फ 400 वाट बिजली कंजप्शन करेगा, क्योंकि यार मार्केट में 1500 से 2000 वाट तक के हीटर मिलते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बिजली कंजप्शन करते हैं। तो यहाँ पर ये बिजली की भी बचत करेगा। तो इसके अंदर से हमें ये जो निक्रोम वायर है ये लेना है सिर्फ, तो देख सकते हैं इस तरह से हम इस निक्रोम वायर को ले लेंगे। अब यहाँ पर लेना है एक चीनी मिट्टी का हीटर कनेक्टर जो कि बिल्कुल आसानी से मिल जाता है वही इलेक्ट्रिक शॉप पे 10 रुपए के अंदर। और अब लेंगे हम पीओपी जो कि सैनिटरी शॉप से बिल्कुल आसानी से मिल जाती है 10 रुपए की 1 किलो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको बॉक्स के अंदर इस तरह से फिक्स करेंगे। तो यार सर्दी का ये ऑल इन वन जुगाड़ जो कि एक सिगड़ी भी है, स्टोव भी है, चूल्हा भी है, हीटर भी है, बहुत ही शानदार बनने जा रहा है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स आपको मैं टेस्टिंग करके बताऊंगा, अच्छे से चेक करके बताऊंगा कि यार ये किस तरह से वर्किंग करेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ये बिजली की बचत करने के साथ साथ सेफ्टी भी है। तो चलिए फ्रेंड्स यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार मैं इसी तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो यहाँ पर हमने इस पीओपी के अंदर इस तरह से पानी मिला लिया है और इसे करना है हमें इसको रबड़ी की तरह। और यहाँ पर ये जो टिन कनस्तर है इसके अंदर हमें भरना है 1 से 1.5 इंच के लगभग इसको। फ्रेंड्स ये 15 से 20 मिनट के अंदर अच्छे से सेट हो जाता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ये बिल्कुल आसानी से सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये सिर्फ सेट हुआ है, सूखा नहीं है, यानी अभी आप इसके अंदर मनचाही आकृति दे सकते हैं। 1 घंटे बाद ये बिल्कुल सूख जाएगा, तब आप इसमें कोई भी किसी प्रकार की कारुस्तानी नहीं कर सकते। कारुस्तानी मतलब इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि यार ये बिल्कुल सूख जाएगा 1 घंटे बाद। तो सबसे पहले हम इसको 1 से 1.5 सेंटीमीटर इस तरह से छील के समतल कर लेंगे, ठीक है। और अब देंगे हम इसके अंदर शेप जो कि हमें निक्रोम वायर के लिए बनानी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम इस तरह से इसके अंदर शेप देंगे। तो ये शेप हमें निक्रोम वायर की साइज के अनुसार देनी है। अब यहाँ पर हम इस चीनी मिट्टी के कनेक्टर के अनुसार यहाँ पर छेद करेंगे। फ्रेंड्स हर बार की तरह मैं इस वीडियो के अंदर भी आपसे एक सवाल करूंगा, और कमेंट बॉक्स में जिसका सही जवाब होगा सबसे पहले उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा इस वीडियो के पब्लिश के 3 दिन बाद। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसी वीडियो के अंदर से वो सवाल करने वाला हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस तरह से ये छेद कर लेंगे। अब ये जो चीनी मिट्टी का कनेक्टर है इसके अनुसार यहाँ पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे मार्कर के द्वारा, साथ ही पीओपी के अंदर हम स्क्रू कस देंगे यहाँ पर इस तरह से छेद निकाल के, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें चारों तरफ यहाँ पर इस तरह से स्क्रू कस देने हैं नीचे से लगभग 1 सेंटीमीटर छोड़ के। फ्रेंड्स आपको जो भी काम पीओपी के अंदर करने हैं, जो भी फेरबदल करनी है, वो आप 1 घंटे के अंदर अंदर कर लीजिएगा। मैं तो बोलता हूँ आप 1/2 घंटे के अंदर ही कर लीजिएगा, क्योंकि यार उसके बाद पीओपी बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगी और आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कनेक्टर के अनुसार कटिंग कर ली है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 सेंटीमीटर चौड़ाई का ये बॉक्स है चारों तरफ से। तो इसके दोनों तरफ हम इस तरह से मार्क कर लेंगे ऊपर की तरफ, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो मार्क हमने किए हैं 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम कर लेंगे इनके अंदर छेद जो कि 5 mm के करेंगे।
देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दोनों तरफ छेद निकाल दिए हैं और यहाँ पर जो हमने स्क्रू कसे हैं पीओपी के अंदर, ये पीओपी को अच्छे से मजबूत करने के लिए यहाँ पर हमने कसे हैं। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने होल भी कर लिया था कनेक्टर के लिए, तो चलिए यहाँ पर इस कनेक्टर को भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमने कनेक्टर को लगा लिया है फ्रेंड्स। कनेक्टर को हम बाद में एमसील के द्वारा अच्छे से फिक्स कर देंगे। इससे पहले यहाँ पर हमने जो छेद किए हैं उनके अंदर लगाएंगे हम तार के टुकड़े। तो यहाँ पर आप चाहे तो साइकिल स्पोक यूज कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी साइकिल रिपेयरिंग शॉप से। तो यहाँ पर लगेंगे 7 टुकड़े, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ पुराने लोहे का तार। तो इसको सीधा करके यहाँ पर मैं 16.5 सेंटीमीटर के 7 टुकड़े कर लूंगा इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी इस तरह से लोहे का तार या साइकिल स्पोक हो तो आप भी अपने अनुसार जो भी आपको लगता है कि ये करना चाहिए उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अब लगाएंगे हम इस हीटर चूल्हे के अंदर हैंडल। तो इसके लिए यहाँ पर हम दोनों तरफ इस तरह से दो दो छेद कर लेंगे, वही 5 mm। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हमने छेद निकाल लिया है पीओपी के पास में से, और इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम छेद निकाल लेंगे। और फिर इन दोनों हैंडल्स को रोकने के लिए यहाँ पर हम वापस से पीओपी का यूज करेंगे। तो यार, पीओपी आपको अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है, 10 रुपये की जो पीओपी लेके आए थे हम 1 किलो, उसी के अंदर से हम थोड़ी सी बचा के रख लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस तरह से हैंडल बना लेंगे। फ्रेंड्स, इन दोनों हैंडल्स को पीओपी के द्वारा रोकने से पहले हम यहाँ पर ये जो निक्रोम वायर है इसको यहाँ पर इस तरह से फिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो निक्रोम वायर है वो हीटिंग के यूज में आता है, तो इस निक्रोम वायर को हम यहाँ पर फिक्स करने के लिए इस तरह से बढ़ा लेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और दोनों तरफ यहाँ पर स्क्रू लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 3 काम करेंगे। सबसे पहले इस कनेक्टर को फिक्स करेंगे, फिर ये जो मोटे तार है उनको लगाएंगे, और फिर ये हैंडल है इनको फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम कनेक्टर को फिक्स कर देते हैं दोनों तरफ से एम सील के द्वारा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो अंदर वाले स्क्रू है कनेक्टर के उनको निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर उनका कोई भी काम नहीं है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 2 वाशर लेंगे और इनको लगाएंगे जो हीटिंग एलिमेंट है निक्रोम वायर का, जिसके ऊपर हमने 2 बोल्ट इस तरह से लगाए थे वहाँ पर। साथ ही इनके अंदर कसने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 4 नट, जो कि हम 2 को इस तरह से कस देंगे पहले और 2 कसेंगे बाद में। इससे पहले लेंगे हम यहाँ पर इस तरह का तार का टुकड़ा। ये तार का टुकड़ा मैं पुराने जो हीटिंग एलिमेंट है 1500 वाट 2000 वाट के, तो उनके अंदर ये 2 निकलते हैं इस तरह के तार, तो उनमें से मैंने 1 ले लिया है, क्योंकि यार ये उस वक्त मेरे कोई काम में नहीं आए थे, लेकिन आज यहाँ पर मैंने इनको यूज में ले लिया है। अगर ये मेरे पास नहीं भी होते तब भी मैं यहाँ पर कोई दूसरा जुगाड़ कर लेता। इसी तरह से फ्रेंड्स, आप भी कर सकते हैं, कोई भी इस तरह का तार लेके इस तरह से आप जुगाड़ करके यहाँ पर कनेक्शन कर दीजिएगा इस तरह से। तो यहाँ पर हमने निक्रोम वायर का कनेक्शन कर दिया है इस कनेक्टर के साथ में। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि इस बॉडी के अंदर बिल्कुल भी करंट नहीं आएगा, क्योंकि यार हमने चीनी मिट्टी के कनेक्टर के थ्रू कनेक्शन किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पीओपी के द्वारा हमने हैंडल को अच्छे से फिक्स कर दिया है, और यहाँ पर दोनों हैंडल बिल्कुल मजबूत हो गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो तार के टुकड़े हमने कट किए थे इनको लगाएंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। तो ये तार के टुकड़े हम क्यों लगा रहे हैं, इसका कारण है फ्रेंड्स, एक तो सेफ्टी, और दूसरा हम इस हीटर यानी ये जो सिगड़ी है, यानी ये जो चूल्हा है, यानी ये जो स्टोव है, यानी हमारा ये जो ऑल इन वन सर्दी का जुगाड़ है, इसके ऊपर हम खाना भी बना सके। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इन तार के टुकड़ों को अच्छे से फिक्स कर देते हैं एम सील के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा 90% काम कंप्लीट हो चुका है, कलर करना चाहे तो कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने सिल्वर कलर कर दिया है, आप चाहे तो कोई और भी कर सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी मजबूत है। और अब करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसके अंदर कनेक्शन। तो यहाँ पर हमें एक अच्छी केबल ले लेनी है, अच्छी क्वालिटी की वायर की, देख सकते हैं। साथ ही हमने प्लग भी जोड़ दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इस कनेक्टर के अंदर कनेक्शन कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है। और फाइनली फ्रेंड्स अब हम करेंगे इसकी टेस्टिंग। तो इसको हम यूज़ करेंगे 220 वोल्ट एसी के साथ में। और फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि ये 400 वाट का है, तो यहाँ पर बिजली की बचत भी होगी, क्योंकि यार ये 1500 से 2000 वाट का नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लाइट को एक बार ऑफ कर दिया है आपको अच्छे से बताने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल आसानी से हम इसको उठा सकते हैं, कोई भी किसी तरह का शॉक नहीं लगेगा। इस तरह से हम इसको तापने के भी यूज़ में ले सकते हैं, यानी ये एक रूम हीटर का काम भी करेगा और एक सिगड़ी का भी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम पानी गर्म करके देखते हैं सबसे पहले, फिर इसके ऊपर हम दूध भी गर्म करेंगे। और अगर आप खाना बनाने के लिए भी कमेंट करोगे तो अगली बार मैं खाना भी बना दूंगा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार फ्रेंड्स, लेकिन यार बाकी का वीडियो देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं खाना बनाने के साथ साथ हम इसका क्या क्या यूज ले सकते हैं। तो पानी गर्म होने से पहले पतीले के अंदर यहाँ पर जो तापमान था पानी का वो 18 डिग्री सेल्सियस था, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स किस तरह से जो तापमान है वो बढ़ रहा है। तो चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम चाय भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दूध गर्म करके दिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये पानी कितना गर्म होता है, तब तक हम यहाँ पर बीच बीच में तप भी लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पानी उबलना स्टार्ट हो गया है। उबलना क्या यार, ये तो उबल ही गया। चलिए यार इसको मैं उतार लेता हूँ और इसके ऊपर चढ़ाता हूँ दूध का भगोना। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको सवाल भी कर लेता हूँ जो कि इस वीडियो के अंदर मुझे पूछना था। तो सवाल यह है फ्रेंड्स, इस स्टोव को बनाने के लिए जो पीओपी हमने यूज की थी उस पीओपी की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में जिसका सबसे पहले सही जवाब आएगा उसको पिन किया जाएगा। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज यार इस वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।